नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, उनके कमेंट भी आ रहे थे और कॉल भी आ रहे थे। वो कह रहे थे कि सर, हमें विंटर्स में क्या डाइट प्लान लेना चाहिए हर्बल लाइफ के साथ, जिससे हमारा वेट लॉस हो सके और वेट लॉस इस तरीके से हो सके कि उनका वेट लॉस भी प्रॉपर हो और उनके मतलब कि जो डाइट है वो भी उनको प्रॉपर मिले और उनको यानी एक्स्ट्रा भूख भी नहीं लगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा आपको कि आपको विंटर्स में क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, शेक और ये कैसे लेने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, विंटर्स में क्या होता है, हमारी एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है और जिसके कारण क्या है कि दोस्तों, हमारा जो कैलोरीज बर्न होती है वो बहुत कम होती है। तो उस कंडीशन में हमें जो हर्बल लाइफ शेक है और जो डाइट प्लान है वो अलग फॉलो करना होता है। तो आज की वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि बीच में मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो कि हेल्प करेगी आपको वेट लॉस करने के लिए। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से क्या मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे पता रहता है कि कितने लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं। और कमेंट में एक बार अपना वेट भी बता दीजिए, जिससे मैं आपको डाइट प्लान भी बता सकूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आपको कि आपको जब हर्बल लाइफ वेट लॉस प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है विंटर्स में। वो इसलिए दोस्तों कि विंटर्स में आप अच्छे से डाइट प्लान फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस है वो कम लॉस होगा, उससे क्या आपका ज़्यादा बजट भी लग जाएगा और आपको प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों की सिचुएशन आती है, वो बोलते हैं कि सर, हम डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, हम जो पहले जो गर्मियों में डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे वही अब सर्दियों में डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, पहले अच्छा रिजल्ट आ रहा था लेकिन अभी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि कुछ मिस्टेक्स हो रही है जिसके कारण आपका जो वेट लॉस है वो हो नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों, आप गर्मियों में क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे और आप मतलब कि एक्टिव रहते थे पूरी तरीके से, सर्दियों में हम इतना रहते नहीं है और हम कैलोरीज बर्न भी नहीं कर पाते। तो शुरुआत सुबह से रात तक का डाइट प्लान बताता हूँ, उस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका जो वेट लॉस है वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, सुबह जैसे ही आप सोकर उठें सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। ये मैं हमेशा बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो पेट है उसको साफ़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या फिर कोई अदर चीज़ है, तो आप यदि 2 गिलास पानी सुबह पहले पीते हैं, वो भी गुनगुना या गर्म पानी, तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पेट है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है और जो रात को हमने चीज़ें खाई है, तेल की चीज़ें खाई है, सब्जियाँ खाई है, वो अच्छे से मतलब दोस्तों साफ़ हो जाती है, जिससे क्या है कि दोस्तों हमारा पेट भी अच्छा साफ़ होता है। और सुबह जो गुनगुना पानी पीते हैं इससे क्या है दोस्तों, हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। तो शुरुआत में आप स्टार्टिंग में सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पिए, यदि 2 गिलास नहीं पी सके तो 1 गिलास ही पिए, लेकिन पिए ज़रूर। सेकंड क्या करना है दोस्तों, उसके आप लगभग 15-20 मिनट बाद आपको एफ्रेश बनानी है, 1 गिलास पानी में बनानी है और गिलास होना चाहिए कांच का, एक कांच का गिलास लें। उसमें दोस्तों 2 स्पून आपको एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक की डालनी है और उसको अच्छे से हिलाकर वो पी लें। इस प्रकार से आपका सुबह का एफ्रेश हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको जैसे विंटर्स का समय, 5 आलमंड यानी बादाम रात को भिगो के रखें और सुबह उसको छिलका उतार के उसको खा लें एफ्रेश के साथ में। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए हमारा जो शुरुआत है सुबह का रूटीन है, इसमें क्या है, हमें बादाम के जरिए प्रोटीन भी मिल जाएगी और दोस्तों एकदम से मतलब खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए। तो 5 बादाम से आप स्टार्ट करें। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है कि आपको जब शेक का टाइम आए, आपका जो आप ब्रेकफास्ट करते हैं दोस्तों, तो फिर आपको ब्रेकफास्ट में अपना शेक लेना है। शेक में दोस्तों आपकी क्वांटिटी हो सकती है अलग अलग, हो सकती है अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि फॉर्मूला 1 शेक, जिनका नॉर्मल वेट है 80 kg तक, वो क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला 1 शेक की 2 स्पून ले सकते हैं, प्रोटीन पाउडर की 1 स्पून ले सकते हैं, और यदि आप शेक मेट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 स्पून आप शेक मेट की भी ले सकते हैं। 300 ml पानी में इसको, नॉर्मल पानी में बनाना होता है दोस्तों, इसको मिक्सी में या शेकर में अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सी में कर रहे हैं तो इसको 5-7 सेकेंड इसको अच्छे से हिलाइए और उसके बाद दोस्तों आप इसको पी सकते हैं, और शेकर में है तो शेकर में ला,
ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए आपने 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। फिर आप जैसे लंच मान लीजिए लगभग 1 बजे तक करते हैं, तो आपको क्या करना है, लगभग 10-11 बजे के समथिंग आपको कोई भी एक अच्छा सा सीजनल फ्रूट लेना है और वो खाना है। इसमें दोस्तों आप अनार भी ले सकते हैं, इसके अंदर दोस्तों आप सेब भी ले सकते हैं, आपको केला नहीं लेना, सेब ले सकते हैं और ऐसी चीज़ अंगूर ले सकते हैं, ये चीज़ आप ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लंच करें, लंच में दोस्तों आप मान लीजिए जैसे 3 रोटी करते थे खाते हैं, तो उसको पहले 2.5 रोटी करिए और आधी कटोरी या 1 कटोरी आप सैलेड की लीजिए। सैलेड में दोस्तों आपको खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, जो भी सैलेड में चीज़ें आती है वो लीजिए और फिर अपना जो भी खाना है वो खाना है। खाने में दोस्तों आप ध्यान रखिए कि मीठा आपको बिल्कुल नहीं खाना और आपको मतलब चाय भी नहीं पीनी दोस्तों, इसका भी आप ध्यान रखें। और यदि विंटर्स में आप चाय के बिना रहा नहीं जाता आपको, तो दोस्तों आप सुबह की तो चाय कभी ना लें, आप दोपहर की चाय थोड़ी सी ले सकते हैं, वो भी बिना चीनी के ले सकते हैं, तो वो चीज़ आप ले सकते हैं यदि आपसे नहीं रहा जाता तो, वरना मेरी सजेशन है कि आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने दोस्तों ये आपका हो गया है लंच, ठीक है। लंच के 1 घंटे बाद दोस्तों आपको एफ्रेश लेनी है। दोस्तों लंच इस तरीके से करना है कि आपको भूखा नहीं रहना, लंच आप प्रॉपर तरीके से करें, और ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं वो भी नहीं करना, और नहीं आपको भूखा रहना, ऐसा कि आपका पेट भर जाए और फिर जो नेक्स्ट भूख है जो लगे वो रात के डिनर के टाइम में लगे। इस तरीके से खाइए दोस्तों विंटर्स में, क्योंकि दोस्तों फिर हम बीच बीच में खाते रहते हैं और सोचते हैं कि हमने पहले कम खाया, 1.5 रोटी खाई, अब थोड़ा और खा लेते हैं थोड़े से टाइम बाद थोड़ा और, तो ऐसे करने से दोस्तों आपका वेट लॉस नहीं होगा। इसका आप ध्यान रखें, आप लंच प्रॉपर करें जितना आप करते हैं। तो आपने लंच कर लिया, उसके 1 घंटे बाद आपने एफ्रेश लेनी है। एफ्रेश लीजिए वही 2 स्पून कांच के गिलास में गुनगुने या गर्म पानी के साथ। अब दोस्तों आपको लगभग आपने 2 बजे एफ्रेश ले ली, उसके बाद दोस्तों 4-5 बजे के चाय का समय होता है, तो उस टाइम चाय ना लेके दोस्तों आपको फिर से एफ्रेश लेनी है वही 2 स्पून करके, आपको गर्म या गुनगुने पानी में आपकी एफ्रेश लेनी है। अब दोस्तों ये 4-5 बजे तक ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको जैसे विंटर है लोग सब जल्दी सो जाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाना, फिर वापस शेक लेना है, और शेक का जो टाइमिंग है दोस्तों वो अपने अकॉर्डिंग देख लें, 7 से 8:30 के बीच तक आप शेक ले लें, वही आपके सुबह जैसे 2 स्पून फार्मूला 1 शेक हो गया, 1 प्रोटीन पाउडर हो गया, 2 शेकमेट हो गया यदि आपका वेट 80 kg तक है, और इससे ज़्यादा है तो दोस्तों 3 स्पून फार्मूला 1 भी ले सकते हैं और 1.5 स्पून प्रोटीन भी ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रात का डिनर करना है, डिनर टाइम से कर लें दोस्तों, क्योंकि फिर क्या है विंटर्स में हम ज़्यादा रात तक जगते भी नहीं है, जल्दी सो जाते हैं, तो आप जैसे 7 से 8:30 तक कर लें। उसके बाद दोस्तों बस आपको पूरे दिन भर में यही डाइट लेनी है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जैसे हम हर चीज़ करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों हमें एक्सरसाइज भी करनी है डेली विंटर्स में, और विंटर्स में खास कर ध्यान रखना है दोस्तों, आप एक रूटीन बना लीजिए कि ज़्यादा नहीं 10 मिनट ही करनी है, लेकिन करनी है, या वॉक करना है तो करना है, ये रूटीन में करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस फास्ट तरीके से होगा और भविष्य में कभी वेट बढ़ेगा भी नहीं। तो आप रूटीन बना के रखिए कि ये भी मेरी डेली रूटीन में शामिल है, एक्सरसाइज करना या वॉक करना। आपको पहले दिन से रिजल्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करते रहेंगे दोस्तों आपको रिजल्ट दिखेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आपका वेट लॉस होगा और वेट बढ़ेगा भी नहीं। उससे क्या है दोस्तों आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज करते हैं आपको लग रहा है कि यार मेरा कोई असर तो हो नहीं रहा, लेकिन दोस्तों अंदरूनी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है दोस्तों, कि आपने देखा होगा दोस्तों कि एक व्यक्ति 4 रोटी खा रहा है तो भी उसका वेट बढ़ नहीं रहा, एक व्यक्ति है जो 2 रोटी खा रहा है तो भी उसका वेट बढ़ता ही जा रहा है, तो वो मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण उनका वेट बढ़ता जाता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म यदि बढ़ जाएगा दोस्तों, अच्छा हो जाएगा, तो आप खाएंगे भी तो भी वो खाना पच जाएगा और वो वेट बढ़ेगा नहीं। तो मेटाबॉलिज्म को ज़रूर सुधारिए दोस्तों, और एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आपको बीमारियों से दूर रखता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता है, आपकी स्किन पर भी ग्लो लाता है, आप में कॉन्फिडेंट लाता है। इसलिए रूटीन में दोस्तों 10 मिनट मिले तो 10 मिनट का ही रख लिए,
15 मिनट 20 मिनट, यदि आप 10 मिनट का भी डेली रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जो रूटीन है वो ज़्यादा हो जाएगा कि अब 15 मिनट करते हैं फिर 20 मिनट, और जैसे जैसे आपको रिजल्ट दिखेंगे आप में कॉन्फिडेंट आएगा और दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों विंटर्स में इस प्रकार से आप फॉलो करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका वेट लॉस होगा, और वेट मतलब मैनेज करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है चीज़ें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें, मैंने बहुत सारे कुछ डाइट प्लान भी बता के हैं, वेट लॉस ड्रिंक्स भी बता के, तो उसको भी आप देख सकते हैं, और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको क्या हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में बताएं, और अपना वेट भी बताएं कि आपका वेट कितना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।